भाग्य से इस ग्राम जनता की पूरी मंशा से यहाँ पर उपस्थित हुई है, क्योंकि साधारणतया भागवत कर्म कर लेना, सुन लेना, लेकिन जिन्होंने उसे महसूस किया है, उनके दर्शन लाभ लेना अपने जीवन को कृतार्थ करने से बेहतर है। मैं माइक को माननीय ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी महामल्लेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज साहब को देने के पहले मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि क्यों युवाओं को जो प्रेरित करने वाले, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हुआ अपना, जो युवाओं को युवाओं को हर एक क्षेत्र में अग्रसर करने वाले ऐसे संत जिन्होंने यहाँ नहीं, भारतवर्ष में नहीं अपितु न जाने कितने देशों में, मैं गिनती भी नहीं लगा सकता, न जाने कितने देशों में अपने इस ऊर्जावान व्यक्तित्व का परचम लहराया है और इस भारत को एक नया गौरव प्राप्त करवाया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विचारों के उबलते ज्वालामुखी का लावा ही युवा, शक्ति के दूध की तपन से तपा हुआ मावा ही युवा, सोए हुए सांप को छेड़ने की फनकार ही युवा, स्वर वीणा वाद्य की झनकार ही युवा, समुद्र के ज्वार भटो थपेड़ो से युक्त तूफान ही युवा, और असंभव को संभव बना देने का आह्वान ही युवा, असंभव को संभव बना देने का आह्वान ही युवा। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को मैं सौंपता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ में बोले गुरु महाराज की। ओम नमो नारायण। गुरुपाद विहीना ये दशंति ममाज्ञया, गुरुर्मूलं हि मन्त्राणां गुरुर्मूलं परं तपः। भगवती भैरवी ने निर्देशित किया है, गुरु की आज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक कर्म में नष्ट कर देती है। स्पष्ट है, बिना गुरु के एक कदम भी बढ़ाना मेरे लिए पाप। यहाँ आने के पूर्व मैंने मेरे गुरु महर्षि कपिलद्वे, जिन्हें हम आप लोग सब पायलट बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा आज़ादी के इस पूर्व दिवस पर यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर कभी अंग्रेजों की छावनी रही है, तो आप बिल्कुल देर मत करें, वहां जाए। वहां के मानस में, वहां के प्रारब्ध में कहीं ना कहीं गुलामी शेष है। इस क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों की छावनी रही, सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, राज किया। हमारे कोई ना कोई उस समय का प्रारब्ध